नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। क्षेत्राधिकारी वीएस वीर कुमार उनका साथ दे रहे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह, दोनों ऑफिसर की जोड़ी एक मानवता की मिसाल है। इन दोनों अधिकारियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वास्तव में पवाया पुलिस एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। पवाया पुलिस ने हमारे क्षेत्र अधिकारी वीएस वीर कुमार एवं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह जी ने जो कार्य को पवाया थाना क्षेत्र में करके दिखाए हैं, ऐसा कार्य किसी ऑफिसर ने अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसे दोनों अधिकारियों को पवाया थाना क्षेत्र की जनता कर रही है सराहना और प्रशंसा। वास्तव में क्षेत्र अधिकारी वीएस वीर कुमार और कुंवर बहादुर सिंह जी तारीफ के काबिल हैं। ऐसे ऑफिसर की पवाया में नहीं आवश्यकता है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश में ऐसे ऑफिसर की आवश्यकता है जो कर रहे समाज के हित में कार्य। फरियादी को अपने हाथों से भोजन कराकर आर्थिक मदद की है। पवाया के शाहजहांपुर समाज में पुलिस के लिए अलग अलग भावनाओं वाले लोग मौजूद हैं। अधिकतर पुलिस बदनाम रहती है, पुलिस के व्यवहार से लोग पुलिस को कोसते रहते हैं, लेकिन सब पुलिस वाले ही एक जैसे नहीं होते हैं। पुलिस में आज भी मानवता जीवित है। आज एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। आज दिनांक सोमवार को थाना पवाया पर रेशमा देवी पत्नी हीरा लाल निवासी ग्राम बड़ा गांव थाना पवाया जनपद शाहजहांपुर अपने पुत्र झंडो उर्फ राजपाल उम्र करीब 26 वर्ष पिछले रविवार 27 मार्च 2022 को घर से बिना बताए कहीं पर चला गया था। इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराने हेतु थाना स्थानीय पर उपस्थित आई महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी ऋचा पांडे के द्वारा उक्त महिला को अपने पास महिला कक्ष में बैठाया गया तथा उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तो महिला रोने लगी तथा कहने लगी कि उसका पुत्र ही घर का एकमात्र सहारा है, उसके जाने से घर पर खाना तक नहीं बन रहा है। इस महिला आरक्षी के द्वारा उसे ढांढस बंधाते हुए अपने हाथ से खाना खिलाया तथा उसे सांत्वना दी है कि तदुपरांत प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह के द्वारा उक्त महिला के पुत्र की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए महिला के लिए आटा चावल गेहूं आलू तेल दाल तथा 2000 रुपये नकद राशि देकर थाना स्थानीय की सरकारी गाड़ी के द्वारा महिला आरक्षी के साथ उसके घर पर छुड़वाया, जिससे उस वक्त महिला सम्मान पाकर खुश होकर अपने घर आई तथा उक्त महिला के पुत्र की शीघ्र बरामदगी हेतु उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित करके स्थानीय पुलिस के द्वारा सघन प्रयास किया जा रहा है। थाने प्रभारी निरीक्षक माया कुंवर बहादुर सिंह और क्षेत्र अधिकारी वीएस वीर कुमार जी बहुत ही अच्छे दोनों ऑफिसर पवाया की शान है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।